जय श्री कृष्णा, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र महात्म्यम। इति श्री राधिकानाथ सहस्रनाम कीर्तनम् स्मरणात् पापराशीनां खंडनम् मृत्युनाशनम्। इति यह श्री राधिकानाथ, राधिका अर्थात राधा जी के जो नाथ हैं, स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपाल जिन्होंने गौओं का पालन किया, ये गोपाल सहस्र नाम का जो भी स्मरणात् पाप राशि नाम खंडनम मृत्युनाशनम, जो इसके स्मरण मात्र से ही जो पाप की राशि है, पापों का समूह है, वो सब का खंडन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक है कि मृत्युनाशनम, मृत्यु को भी ये नष्ट करने वाला है। वैष्णवानां प्रियकरम महारोग निवारणम ब्रह्महत्यासुरापानम परस्त्रीगमनम तथा। वैष्णवानाम और वैष्णवों का प्रियकरम, प्रिय करने वाला, यहाँ तक महारोग निवारणम, बड़े से बड़ा रोग हो, चाहे महामारी हो गई इत्यादि, बड़ी सी बड़ी महामारी आदि निवारणम, इन सभी रोगों को नष्ट कर देने वाला है। ब्रह्म हत्या के भी पाप को नष्ट कर देता है। सुरापानम, सुरा माने मदिरा, शराब के पान को। परस्त्रीगमनम, दूसरे की स्त्री के साथ गमन। परद्रव्यापहरणम परद्वेश समन्वितम मानसं वाचिकं कायं यत् पापं पाप संभवम। परद्रव्यापहरणम, दूसरे का द्रव्य अपहरण अर्थात चोरी किया हुआ। पर द्वेष समन्वितम, दूसरे से द्वेष से युक्त। मानसम, मानसिक। वाचिकम, वाणी से। कायम, शरीर से। यत पापम, जो भी पाप है उस सब को नष्ट कर देने वाला है। पाप संभवम, या पाप होने वाला भी है उसको भी ये नष्ट कर देता है। सहस्रनाम पठनात् सर्वं नश्यति तत्क्षणात् महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान्। सहस्रनाम पठनात्, गोपाल सहस्रनाम के पढ़ने से, सर्वं नश्यति तत्क्षणात्, ये ऊपर जितने भी पाप बताए गए हैं, ये सभी प्रकार के पाप तत्क्षणात्, उसी क्षण नश्यति, नष्ट हो जाते हैं। महादारिद्र्ययुक्तो यो, जो महादारिद्र्ययुक्तो, महादरिद्रता से युक्त वैष्णवो विष्णु भक्तिमान, जो वैष्णव विष्णु भक्तिमान, विष्णु भक्ति से युक्त होकर के इसका पाठ करता है, स्मरण करता है, पूजा करता है, तो निश्चित रूप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक्याम संपठेत रात्रौ शतमष्टोत्तरम क्रमात् पीतांबरधरो धीमान सुगंधि पुष्पचंदनै। कार्तिक्याम, कार्तिक महीने में रात्रौ, रात्रि में, अष्टोत्तरम शतम,
अष्टोत्तर शत मतलब 108 संपठेत इसका पाठ करता है। पीतांबर धरो धीमान सुगंधि पुष्प चंदनई पीतांबर पीले वस्त्र धर धारण करके धीमान बुद्धिमान सुगंधि पुष्प चंदनई सुगंधित इत्र पुष्प चंदनई चंदन से पुस्तकम पूजयित्वा तो नैवेद्यादि भिरेव च पुस्तक की पूजयित्वा पूजन करके नैवेद्य आदि से पूजन करके राधा ध्यानांकितो धीरो वनमाला विभूषिता राधा जी का ध्यान करते हुए धीर बुद्ध बड़ी धैर्यता के साथ वनमाला से विभूषित शतमष्टोत्तरम देवी पठे नाम सहस्रकम हे देवी पार्वती जी शतमष्टोत्तरम 108 सहस्रकम नाम पठेत गोपाल सहस्र नाम का पाठ करे चैत्र शुक्ले च कृष्णे च कुहु संक्रांति वासरे चैत्र शुक्ल पक्ष में च और कृष्णे कृष्ण पक्ष में कुहु संक्रांति वासरे अमावस्या की रात्रि में दीपावली पे पठितव्यं प्रयत्नेन त्रैलोक्यं मोहयेक्षणात् प्रयत्न पूर्वक पठितव्यं पढ़ना चाहिए जिससे त्रैलोक्यं मोहयेक्षणात् वे त्रिलोकी को क्षणाक्षण भर में ही मोहित मोहित कर लेता है। तुलसी मालया युक्तो तुलसी माला से युक्त वैष्णवो भक्ति तत्परः वैष्णव भक्ति में तत्पर होकर के इसका पाठ करे रविवारे च शुक्रे च द्वादश्याम श्राद्धवासरे ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः रविवारे रविवार को शुक्रे शुक्रवार को द्वादश्याम द्वादशी तिथि श्राद्धवासरे श्राद्ध के दिन में ब्राह्मणम ब्राह्मण को पूजयित्वा पूजन करके विधानता विधान पूर्वक विधान से भोजयित्वा भोजन करा करके पठे नाम सहस्रं च ततः सिद्धि प्रजायते यदि गोपाल सहस्र नाम का पाठ करता है तो वे ततः सिद्धि प्रजायते वे सिद्ध हो जाता है। महानिशायां सततम वैष्णवो यः पठे सदा महानिशा में सततम निरंतर यह जो वैष्णव वैष्णव पठेत पढ़ता है देशांतरगता लक्ष्मी समायाति न संशयः देश देशांतर में कहीं भी गई हुई लक्ष्मी वे निश्चित रूप से समायाति आ जाती है न संशयः इसमें संशय नहीं है। त्रैलोके च महादेवी सुंदर्यः काममोहिता त्रैलोके च महादेवी सुंदर्यः काममोहिता और त्रैलोक के तीनों लोक में
काम मोहिता, काम से मोहित होकर के सुंदर या सुंदरी भी आ जाती हैं। मुग्धा स्वयं समायान्ति वैष्णवंच भजन्तिता। मुग्धा मोहित होकर के स्वयं अपने आप ही समायान्ति आ जाती हैं और वैष्णव वैष्णव की भजन्ति सेवा करती हैं। रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। रोगी रोगात् रोग से प्रमुच्येत मुक्त हो जाता है, बद्धो जो बंधा हुआ है, बंधनात् बंधन से मुच्येत मुक्त हो जाता है। गुर्विणी जनयेत पुत्रम कन्या बिंदति सत्पतिम। गुर्विणी अर्थात गर्भिणी स्त्री पुत्रम जनयेत पुत्र को उत्पन्न करती है और कन्या बिंदति सत्पतिम जो कन्या है वे सत्पतिम बिंदति सत्पति को प्राप्त करती है। राजानो वश्यताम यान्ति किं पुनः क्षुद्र मानवा। और राजानो राजा भी वश्यताम यान्ति बस में हो जाते हैं, फिर पुनः माने फिर किम क्षुद्र मानवा, फिर ये क्षुद्र साधारण मानव के विषय में तो कहना ही क्या है। सहस्रनाम श्रवणात् पठनात् पूजनात् प्रिये। हे प्रिये देवी पार्वती जी, सहस्रनाम गोपाल सहस्रनाम का श्रवणात् श्रवण करने से, पठनात् पढ़ने से, पूजनात् पूजन से, धारणा सर्वमाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः। धारणात् धारण करने से सर्वम आपनोति सब कुछ प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है वैष्णव वैष्णव को, अत्र न संशयः यहाँ पर संशय नहीं है। वंशी वटे चान्य वटे तथा पिप्पल के थवा, कदम्ब पाद पतले गोपाल मूर्ति सन्निधौ। वंशी वटे वंशी वट में च अन्य वटे और अन्य वट में, तथा उसी प्रकार पीपल के पीपल पीपल के नीचे, अथवा कदम्ब पाद तले कदम्ब पेड़ के नीचे, गोपाल मूर्ति सन्निधौ गोपाल मूर्ति के सन्निधौ यानी पास में। यह पठेत वैष्णवो नित्यम सयाति हरि मंदिरम। यह जो वैष्णव वैष्णव नित्यम पठेत नित्य पढ़ता है, सयाति हरि मंदिरम वह हरि मंदिर अर्थात गोलोक के लिए गोलोक को प्राप्त करता है। कृष्णेनोक्तं राधिकायै मया प्रोक्तं पुरा शिवे। कृष्णेनोक्तं राधिकायै श्री कृष्णेन उक्तं, कृष्ण जी ने राधिकायै राधिकायै राधिका जी के लिए उक्तं कहा था। और पुरा प्राचीन समय में शिवे शिवजी ने मया प्रोक्तम, अच्छा राधिकायै मया प्रोक्तम राधिका जी ने मया प्रोक्तम मेरे से कहा था। और फिर पूरा प्राचीन समय में पूरा शिवे पूरा प्राचीन समय में ही राधिका जी ने मेरे से कहा था, शिवजी कह रहे हैं पार्वती जी से। नारदाय मया प्रोक्तम नारदेन प्रकाशितम। मया मेरे द्वारा नारदा नारद जी के लिए प्रोक्तम कहा गया, नारदेन प्रकाशितम, और फिर नारद जी ने इसको प्रकाशित कर दिया अर्थात इसका
विस्तार कर दिया, प्रचार प्रसार किया। मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत् सुदुर्लभम्, मेरे द्वारा ये आपके लिए कह रहा हूँ, कहा हूँ, प्रोक्तमेतत् सुदुर्लभम्, जो कि यह सुदुर्लभम् अत्यंत दुर्लभ है। गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथंचन, इसको प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, न प्रकाश्यं कथंचन, किसी को भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, किसी से भी नहीं कहना चाहिए। सठाय पापिने चैव लंपटाय विशेषतः, विशेष रूप से सठ और पापी, लंपट, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन, न दातव्यम नहीं देना चाहिए, न दातव्यम नहीं देना चाहिए, न दातव्यम नहीं देना चाहिए, कदाचन कभी भी। फिर किसको देना चाहिए? देयम् शिष्याय शांताय विष्णु भक्तिरताय च, जो शांताय शिष्याय, जो शांत शिष्य है, और उसमें भी विष्णु भक्तिरताय च, और जो विष्णु भक्ति में रत है, लगा हुआ है, ऐसे शिष्य को देयम् देना चाहिए। गोदान ब्रह्म यज्ञस्य वाजपेय सतस्य च, गोदान ब्रह्म यज्ञस्य और ब्रह्म यज्ञ, वाजपेय सतस्य च, सौ सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध सहस्रस्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ, फलम पाठे भवे ध्रुवम्, निश्चित रूप से यानी गोदान ब्रह्म यज्ञ सैकड़ों वाजपेय यज्ञ हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, वे फल गोपाल सहस्र नाम के पाठ करने मात्र से उस फल की प्राप्ति होती है, ध्रुवम निश्चित रूप से। मोहनम स्तंभनम चैव मारणो चाटनादिकम्, मोहन माने वशीकरण, स्तंभन और मारण, उच्चाटन, यद वांछति चित्तेन तत्तत् प्राप्नोति वैष्णवः, यदि वांछति चित्तेन, चित्त से एकाग्र चित्त होकर के यदि इसका पाठ करता है, तो यद वांछति जो भी चाहता है, तत्तत् प्राप्नोति, वह प्राप्त कर लेता है, वैष्णवः वैष्णव। एकादश्याम नरास्नात्वा सुगंधि द्रव्य तैलकैः, एकादशी को नरा मनुष्य स्नात्वा स्नान करके सुगंधित इत्र द्रव्य तैलकैः तेल आहारम ब्राह्मणम दत्वा, और भोजन ब्राह्मणम दत्वा ब्राह्मण को दे करके, दक्षिणाम स्वर्णभूषणाम स्वर्णाभूषण दक्षिणा दे करके, ततः आरंभकर्तास्य सर्वं प्राप्नोति मानवः, तब वे आरंभकर्ता को निश्चित रूप से वे मनुष्य सर्वं प्राप्नोति, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शतावृत्तं सहस्रं च यः पठेत् वैष्णवो जनः, शतावृत्तं सौ आवृत्ति, और या फिर सहस्रं च हजार आवृत्ति, वैष्णवः पठेत्, यह जो जन लोग वैष्णवः वैष्णव पठेत् पढ़ता है। श्री वृंदावन चंद्रस्य प्रसादा सर्वमाप्नुयात्, श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से, गोपाल जी की कृपा से,
उनके प्रसाद से सर्वम आपनुयास सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यद् ग्रहे पुस्तकम् देवी पूजितम् चैव तिष्ठति। यद् ग्रहे, जिस घर में पुस्तकम् देवी, पुस्तक देवी की पूजितम् पूजा होती है। न मारी न च दुर्भिक्षम् नोपसर्ग भयम् क्वचित्, वहाँ पर महामारी नहीं होती, दुर्भिक्ष नहीं होता, उपसर्ग संबंधित भय नहीं होता। सर्पादिभूत यक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशयः। सर्प आदि, भूत, यक्ष आदि सब नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। अत्र न संशयः, इसमें संशय नहीं है। श्री गोपालो महादेवी वसे तस्य ग्रहे सदा। हे देवी, ग्रहे, जिस घर में श्री गोपालो, श्री गोपाल वसेत, वसते हैं। ग्रहे यत् सहस्रम च नाम नाम तिष्ठति पूजितम्। उस घर में, अच्छा, श्री गोपालो महादेवी वसितस्य गृहे सदा, कि जिस घर में पुस्तक की, श्री गोपाल सहस्र नाम की पुस्तक की पूजा होती, उस घर में हे महादेवी श्री गोपालो वसेत, उस घर में श्री गोपाल वसेत, बसते हैं। अग्रहे यत्र सहस्रम च, जिस घर में सहस्र नाम ना तिष्ठति पूजितम्, श्री सहस्र नाम का पाठ होता है, रहते हैं, पूजा होती है, तो वहाँ पर गोपाल कृष्ण सदैव वास करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।